हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाना हर एक नीट एस्पिरेंट का सपना होता है, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जा पाते हैं। बाकी स्टूडेंट 3 साल 4 साल प्रिपरेशन करते रहते हैं, बट वो कभी भी मेडिकल कॉलेजेस में नहीं जा पाते, अपना सपना MBBS बनने का पूरा नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं। सर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस तो करोड़ों में होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, इंडिया के कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो बहुत ही कम फीस लेते हैं इन कंपेयर टू दैट कॉलेजेस। क्लियर है बच्चों? वो कौन कौन से, स्टेट वाइज आपको बताएंगे, सारी इंफॉर्मेशन देंगे, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। और इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो फीस है वो डिपेंड करती है नीट की रैंकिंग पर। जी हाँ, अगर आपने नीट में हाई रैंकिंग लाई है, ठीक है, आपने अच्छे स्कोर किए हैं नीट में, तो आपको कम फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपने नीट में बहुत ही कम स्कोर किया है तो आपको हाई फीस पे करनी पड़ेगी। सवाल ये है सर, कितने से कितने की रेंज होती है, पहले उसको समझ लो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आप 550 से लेकर के 570 स्कोर करते हैं, अगर आपको मेडिकल कॉलेजेस नहीं मिले, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, तो उस केस में अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उस केस में आपको 10 लाख पर ईयर आपको फीस पे करनी पड़ सकती है। वहीं अगर आप 500 से लेकर के बच्चों 550 तक स्कोर करते हैं मेडिकल कॉलेजेस, तो आपको कितनी पे करनी पड़ सकती है, तो आपको 12 से लेकर के 13 लाख पर ईयर फीस पे करनी पड़ सकती है। वहीं अगर हम बात करें 450 से लेकर के 500 तक अगर आप स्कोर करते हैं, तो उस केस में 16-17 लाख पर ईयर आपको फीस पे करनी पड़ सकती है। अगर आप 400 या इसके बिलो हैं, उस केस में 20-22 लाख पर ईयर आपको फीस पे करनी पड़ सकती है। ये है रेशियो। तो जितना ज्यादा आप रैंक लाएंगे नीट में, जितने अच्छे स्कोर लाएंगे, उतनी कम फीस आपको पे करनी पड़ेगी। ये समझ लिया आपने? अब चलिए देख लेते हैं कि स्टेट वाइज लो बजट के कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे बिहार में। बिहार में आप देखिए, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस दिए गए हैं, यहाँ पर आपके फीस दी गई, और इस साइड क्या है, डेंटल मेडिकल कॉलेजेस दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर MBBS के हैं, MBBS के मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पर BDS है ना, यानी डेंटल मेडिकल कॉलेजेस, उनके सामने उनकी फीस लिखी गई। देखिए कटिहार मेडिकल कॉलेजेस, देखिए 7,38,000 इसकी फीस है। डेंटल कॉलेजेस आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी रोहतास में है, 8,21,000 इसकी फीस है। माता गुजरी यूनिवर्सिटी किशनगंज में है, 8,38,000 इसकी फीस है। क्लियर है, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें कुछ और दूसरे स्टेट की, जैसे आप देखिए यहाँ पर गुजरात में अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए गुजरात में मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं। GMERS मेडिकल कॉलेजेस 16 अहमदाबाद में है, ये 8,25,000 इसकी फीस है। डेंटल कॉलेजेस आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी देखिए 8,25,000। फिर उसके बाद आप देखिए ऑन एन एवरेज गुजरात में 8-8.25 लाख की रेंज में आपको मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे। क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, आप देखते हैं हरियाणा में। हरियाणा में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हरियाणा में आप देखिए थोड़ा सा चीपेस्ट आपको मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एफिलिएटेड एक मेडिकल कॉलेजेस है BD शर्मा का, यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे पर ईयर की, ठीक है। बहुत ही दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के कंपेरिजन में काफ़ी कम है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए श्री गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा 9 लाख, ठीक है, 9 लाख आपको पे करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर आप देखिए एक और मेडिकल कॉलेजेस है जो दूसरों के कंपैरिजन में बड़ा ही कम है, अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, ये आपको फरीदाबाद में मिल जाएगा, 6,37,500 रुपये इसकी पर ईयर की फीस है। क्लियर है बच्चों? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्टेट है हमारा है कर्नाटका। कर्नाटका में आप देखेंगे ऑन एन एवरेज, मैं आपको बताऊं, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो लगभग 10 लाख रुपए है ना, 10 लाख रुपए आपसे पर ईयर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो है हमारा केरला। तो केरला आप देखिए थोड़ा सा कर्नाटका के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम है, यहाँ पर आप देखिए 7,65,000 रुपये है, अमला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, आपको मिल जाएगा, जुबली मिशन मेडिकल कॉलेजेस आपको मिल जाएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट,
7,65,000, तो नियरली 7.5 लाख, 7,65,000, 8 लाख अप्रॉक्स आप मान सकते हैं, इतने में आपको केरला में मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा कौन सा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान में भी लगभग 7.5 लाख के अराउंड आपको मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, राजस्थान में लगभग जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो लगभग आपको 7.5 लाख के अराउंड मिल जाएंगे। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर देखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड में दो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा सा चीपेस्ट हैं। पहला है देखिए श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस। ठीक है, ये आपको 9,78,000 रुपये यानी लगभग 10 लाख रुपये पर ईयर आपको पे करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये लगभग आपसे ले रहा है 13,32,000 रुपये। ये तो काफ़ी कॉस्टली हो गया। ठीक है, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।